हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंस ई सॉल्यूशन। आज का जो हमारा ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन। जब हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स नीट के एनालाइज किए तो हमने देखा कि इस अकेले चैप्टर से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन हर साल नीट के एग्जाम्स में आए हैं, और चांसेस ये है कि इस साल जो है इस चैप्टर से 7 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अंदर से आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए, इस साल नीट के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो फटाफट हमारे साथ ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिए। अगले साल नीट के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, इस साल आप क्लास 12th में हैं तो भी आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, ताकि आपको आसानी हो अगले साल नीट के एग्जाम्स देने में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको अपने नीट के प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। अलग अलग ऑप्शंस हैं, विंसा रोजिया, विसिया फाबा, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर या फिर ई कोली। तो टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है आपको ये बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विसिया फाबा या फिर फाबा बीन्स जो है ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन दैट टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज। स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट कौन होगा, और आपको इसके ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ओपेरन या फिर रेकॉन। तो स्ट्रक्चरल जीन्स के जो इक्विवेलेंट है दैट इज सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनएज एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसाइम इन बैक्टीरिया। ऑप्शंस दिए गए हैं 5S RRNA, 18S RRNA, 23S RRNA या फिर 5.8S RRNA। अब ये जाहिर सी बात है कि जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है इट विल एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसोम, ओके, इन बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट है, इसका जो लार्जर सब यूनिट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 23S RRNA। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। तो सारे जो है वो ट्रेड्स उसको फॉलो करने हैं, एक ट्रेड जो है वो फॉलो नहीं करना है या फिर रॉन्ग दिया गया एक स्टेटमेंट आपको वो चूज करना है। डिफरेंट ऑप्शंस आर, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, और ऑप्शन नंबर 4, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। और इसका जो सही आंसर है, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, बिकॉज अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इट मस्ट बी स्टेबल नॉट अनस्टेबल, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, अल्फा स्ट्रैंड और एंटी स्ट्रैंड। अब आप देखिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है सो इट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में, एक ही स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, 2 स्ट्रैंड होते हैं उनमें से एक ही स्ट्रैंड होता है जिस पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड दैट स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर और इंड्यूसर्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरिन। ऑप्शंस आर लैक्टोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। सो इंड्यूसर जो होगा लैक ओपेरिन में वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लैक्टोज, इट एक्ट एज अ इंड्यूसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज। एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट के एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसके अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, पॉलीजोम्स, पॉलीमर और पॉलीपेप्टाइड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पॉलीजोम। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। सो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन, एंड द डिफरेंट ऑप्शंस गिवन आर DNA-DNA hybridization, polymerase chain reaction, zinc finger analysis,
और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज जिंक फिंगर एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार नीट के एग्जाम्स में आ चुका है. सो वॉट इज द स्टेन ओके विच इज यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर विजुअलाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट. ऑप्शंस गिवन आर एसिटोकार्माइन, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड और ब्रोमोफेनॉल ब्लू. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड. Now, question number 10, the final proof for DNA as a genetic material came from the experiments of Hershey and Chase, Avery, McLeod and McCarty, Hargobind Khurana or Griffith. So, the final proof that DNA is the genetic material, it came from the experiments of Hershey and Chase, option number 1. Moving on to our next question, DNA fragments are, different options given are negatively charged, neutral, either positively or negatively charged, are positively charged. And the correct answer is DNA fragments are negatively charged, option number 1, due to the presence of the phosphate group in them. So next question, if there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, How many codons will be altered? देखिए थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है. सो वॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट इज देर आर टोटल 999 बेसिस. सो 999 बेसिस हैं, तो 3 बेस दे मेक 1 कोडोन एंड कोड फॉर 1 एमिनो एसिड. सो 999 बेस हैं, तो 333 कोडोन्स होंगे और 333 एमिनो एसिड्स होंगे. अब आपको यहाँ बताया गया है कि अप टू 900 एवरीथिंग इज ओके. Up to 900, so 900, 3 bases make 1 codon, so it is 300 amino acids are as usual, they are not altered, okay. When the problem comes, 901 base is deleted. Point number 1, 901 number ka jo base hai, usko delete kiya gaya hai, so sara jo frame hai, uske baad ka wo effect hoga, so all the bases after 900 will be altered. So 33 bases will be altered. After 999 bases are altered, so it is 33 amino acids or 33 codons will be altered. Option number 2 will be the correct answer. Moving on to our next question, a gene whose expression helps to identify transformed cell is known as vector plasmid structural gene or selectable marker. And the correct answer is selectable marker, option number 4. Question number 14, during DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. Okay, Okazaki fragments, kis strand ko elongate karne ke kaam aata hai? Different options given are, the lagging strand towards the replication fork, the leading strand away from the replication fork, the lagging strand away from the replication fork, or the leading strand toward replication fork. अब ये जो Okazaki fragment है, it is used to elongate the lagging strand, okay? And it is elongated away from the replication fork. So option number 3 is the correct answer. Moving on to our question number 15, which of the following RNAs should be most abundant in animal cell? tRNA, mRNA, miRNA or rRNA? And the correct option is जो ribosomal RNA है, rRNA, it should be the most abundant, option number 4. Next question, what is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? So gel electrophoresis mein DNA fragments ke movement mein criterion kya hai? Criteria kya hai? Aapko choose karna hai. Options diye gaye hain. The smaller the fragment size, the further it moves. Positively charged fragments move to farther ends. Negatively charged fragments do not move, or the larger the fragment size, the farther it moves. And the correct answer is, the smaller the fragment size, the further it moves. Option number 1 is the correct answer. Next question, question number 17. The association of histone H1 with a nucleosome indicates. What does it indicate? And different options are, DNA replication is occurring, the DNA is condensed into a chromatin fiber, the DNA double helix is exposed, or transcription is occurring. And the correct answer is option number 2, the DNA is condensed into a chromatin fiber.
स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने से पहले हम बता दें कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। इसके प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम्स में। बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस देखते जाइए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है, AGGTATCGCAT इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA। अभी आपको जो सीक्वेंस दिया गया है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। DNA के दो स्ट्रैंड होते हैं। अब बिफोर ट्रांसक्रिप्शन हम इनमें से एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड इट कोड्स फॉर mRNA। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है इट डज नॉट कोड फॉर mRNA, बट जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है इट इज सेम एज द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रैंड और द सीक्वेंस ऑफ द mRNA विच इज फॉर्म बाय द टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक्सेप्ट इन प्लेस ऑफ थायमिन टी यूरैसिल इज प्रेजेंट। ओके, सो अब जो कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड mRNA आपको बताना है, तो इट विल बी द सेम एज द कोडिंग सीक्वेंस, एक्सेप्ट इन प्लेस ऑफ टी यू प्लेस यू। सो AGGUAUCGCAT AU, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। Moving on to our question number 19. All of the following are part of an operon, except options given are an operator, a promoter, an enhancer, or structural genes. And the correct answer is enhancer. Option number 3. It is not a part of an operon. Okay. Question number 20. Many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as, ये important question है, हमने आपको पहले भी बताया ऐसा बहुत सारे questions आ चुके हैं। तो जब ribosomes they attach to form a complex that is known as polysome, nucleosome, plastidoma or polyhedral bodies, and the correct answer is option number 1, polysome. Question number 21, select the correct match. Which one is the correct match you have to select? Alec Jeffries, Streptococcus pneumoniae, Jacob and Monod, Lac operon, Meselson and Stahel, Pisum sativum, or Hershey and Chase, TMV. And the correct answer is Jacob and Monod, they described Lac operon. Option number 2. Question number 22, select the correct statement. Jo correct statement hai, aapko ye choose karna hai. Different statements given are, Franklin Stahel coined the term linkage. Transduction was discovered by S. Altman. Spliceosomes take part in translation, or Punnett square was discovered by a British scientist. And option number 4 is the correct statement, that Punnett square was developed by a British scientist. Question number 23, the experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in a, मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म था जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ था आपको बताना है। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन आर फंगस, वायरस, प्लांट और बैक्टीरियम, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बैक्टीरियम। बैक्टीरियम ई कोलाई पे हुआ था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA। क्वेश्चन नंबर 14, प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ DNA, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA आर adenine and thymine, adenine and guanine, guanine and cytosine, or cytosine and thymine. So the purines are A and G, that is adenine and guanine. Option number 2 is the correct answer. Next question, question number 25. Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? So kaun sa feature hai genetic code ka, aapko batana hai. Different features given are, genetic code is not ambiguous, genetic code is redundant, genetic code is nearly universal, or genetic code is specific. And the correct option is option number 3, genetic code is nearly universal. Moving on to our next question, expressed sequence tags, ESTs, refers to first option genes expressed as RNA, second option polypeptide expression, third option DNA polymorphism, or fourth option is novel DNA sequences. And the correct option is gene expressed as mRNA, which will further code for the protein. They are known as expressed sequence tags in Human Genome Project. Option number 1 is the correct answer. Next question, match the following genes of the lac operon with their respective products. Aapko match karna hai.
On one side, I gene, Z gene, A gene or Y gene is given. On the other column, beta galactosidase, permease, repressor and transacetylase means which gene codes for which protein you have to find out. Okay. So I gene, option number A, I gene, it codes for number 3, that is repressor. Okay. Then comes Z gene, it codes for beta galactosidase, option number 1. Then comes A gene, it codes for transacetylase, option number 4. And Y gene, it codes for permease, option number 2. So A ke liye 3, B ke liye 1, C ke liye 4 and D ke liye 2. It is the correct match. So sabko sahi karta hua, option number 3 is the correct answer. Okay, now moving on to our next question. Under which of the following conditions will there be no change in the reading frame of the following mRNA? So mRNA aapko diya gaya hai, 5 terminal mein aapko A, 5 terminal se 3 terminal ki reading hai, AAC, AGC, GGU, GCU, AUU. Ye aapko reading diya gaya hai. Now under which conditions there will be no change in the reading frame? Okay, 3 bases, they make one codon and code for one amino acid. Ye aapko malum hona chahiye. So different options given are, number 1, insertion of G at the 5th position. Now if we insert G at the 5th position, already a G present hai, ek aur G ek bana denge, to puri jo reading hai wo kharab ho jayegi. Okay, so this is not the answer. Deletion of G from the 5th position. Now if from the 5th position G is deleted, to G ke baad ka jo sara sequence hai, uski jo reading hai wo kharab ho jayegi. This is also not the correct answer. Insertion of A and G at 4th and 5th positions respectively, अगर हम bases insert करते हैं फिर भी reading जो है वो ख़राब होगी और जो codon का sequence है वो भी गलत होगा. And option number 4, deletion of GGU from 7th, 8th and 9th position. Now if we delete all the 3 sequences which make up our codon, then the reading frame, for reading frame there will be no change. So option number 4 is the correct answer. Now moving on to our next question, choose the correct pair from the following. First option, ligases, join the two DNA molecules. Second option, polymerases, break the DNA into fragments. Nucleases, separate the two strands of DNA. Or exonucleases, make cuts at specific positions within DNA. So which is the correct pair? It is ligases, it joins the two DNA molecules. Option number 1 is the correct answer. Question number 30. The first phase of translation is, आपको जो पहला phase है वो बताना है, binding of mRNA to ribosome, recognition of a DNA molecule, amino acylation of tRNA or recognition of an anticodon. So amino acylation of tRNA, that is charging of the tRNA with activated amino acid, is the first phase of the translation. Option number 3 is the correct answer. Next question, name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. So which enzyme it facilitates opening of the helix during transcription? Transcription ki baat kahi gayi hai. So different options given are DNA ligase, DNA helicase, DNA polymerase or RNA polymerase. As it is transcription, so option number 4, RNA polymerase is the correct answer. Next question, if the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, then the length of the DNA is, alag alag options diye gaye, approximately it is 2 meters, 2.5 meters, 2.2 meters or 2.7 meters. Ye jo hai thoda calculation karne wala question hai, to isko aap dhyan se dekhiye, that double helix, the total number of base pairs given is, total number of base pair kitne hain, 6.6 into 10 to the power 9 base pairs आपको दिए गए हैं. अब जो है distance between each base pair is 0.34 nanometer, यानी 0.34 into 10 to the power minus 9. Okay, अब जब हम इन सभी को into करेंगे, then 10 to the power 9, 10 to the power minus 9, so it becomes 10 to the power 0, that is 1. So 6.6 into 0.34 into 1 is ultimately 2.2 meters. ओके, थोड़ा कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है, आप सही से कैलकुलेट कीजिएगा. ऑप्शन नंबर 3, 2.2 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
Adenine pairs with thymine through 2 hydrogen bonds. Adenine pairs with thymine through 1 hydrogen bond. Adenine pairs with thymine through 3 hydrogen bonds. Or adenine does not pair with thymine. अब ये बात है कि adenine, yes, it pairs with thymine in DNA. And there are 2 hydrogen bonds present. So adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने कितने सवालों के जवाब जो है वो सही किए, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो स्टे हेल्दी, प्रिपेयर वेल, बाय।